बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता अल्पेश यादव का विवादों के साथ लंबा नाता रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर हम सबके सामने आती ही रहती है कि अल्पेश यादव किसी से जूझते और लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही अब एक वाकया फिर एक बार पेश आ चुका है। अल्पेश यादव और मुनव्वर फारूकी जब क्रिकेट के मैदान पर पहुंचे थे तो दोनों की एक तस्वीर एक दूसरे को गले लगाते हुए वायरल हो रही थी, जिसके चलते मैक्सटर्न नाम के यूट्यूबर सागर ठाकुर ने पोस्ट किया था, जिसके बाद विवाद इतना ज्यादा भड़क गया कि अल्पेश यादव 7-8 लड़कों के साथ जाकर सागर ठाकुर की पिटाई कर देते हैं। और जैसे ही पिटाई करते हैं उसको लेकर मामला इतना ज्यादा गर्मा गया कि अल्पेश यादव के ऊपर लीगल एक्शन लेने की योजना बन रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FIR तो हो चुकी है, लेकिन इस बीच अल्पेश यादव और ध्रुव राठी के बीच भी विवाद पहले कई बार हो चुका है। दोनों के बीच आपस में नहीं बनती, दोनों की विचारधारा अलग है। ध्रुव राठी फैक्ट के तर्क पर अपना जवाब देते हैं, जबकि अल्पेश यादव सिर्फ हवा में तीर छोड़ते हैं और साथ ही कई बार तो बिना तर्क के बात करते हैं। ज्यादातर मसलों में धर्म को बीच में लाकर अल्पेश अपनी चाणक्य नीति अपनाते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि अब सागर ठाकुर नाम के यूट्यूबर की जिस तरह से अल्पेश ने पिटाई की उसको देखते हुए अब ध्रुव राठी भी इस बीच कूद पड़े हैं। सागर ठाकुर ने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो लड़ाई की पूरी वारदात के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी इस घटना पर ध्रुव राठी ने कमेंट करते हुए लिखा, स्टे स्ट्रॉन्ग। इससे पता चलता है कि अल्पेश यादव के अगेंस्ट ध्रुव राठी हैं और ध्रुव राठी सागर ठाकुर को सपोर्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर ध्रुव राठी उन्हें फॉलो भी करते हैं। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अल्पेश और ध्रुव के बीच पहले से ही नहीं बनती है, लेकिन जिस तरह से अब सागर ठाकुर का ध्रुव राठी ने समर्थन किया है, आप सभी इस पर क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।